हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉबों को बाय मौशमी। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है, बट स्टेप्स को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके फ्रेंच फ्राइज अंदर से सॉफ्ट हो और बाहर से क्रिस्पी हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपकी भी ये फ्रेंच फ्राइज बहुत ही अच्छी बने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो आलू लिया है। सो अब मैं इनको पील करके कट कर लेती हूँ। सो अब इसको मैं क्या करूँगी, अगर आपको पहाड़ी आलू मिले तो आप वो वाला यूज़ करना, वो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है, बट अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से ही बनाऊँगी और इसी से भी बहुत अच्छे बनेंगे। सो आपको क्या करना है, इसको ऐसे रख, पोटैटो को ऐसे रखना है और इसके एजेस जो है वो थोड़े थोड़े करके कट कर देने। सो आपको ऐसे शेप में कट करना है, इक्वली होना चाहिए तो फ्राई भी अच्छे से होगा। सो यहाँ पे मैंने पोटैटोज को कट कर लिया है। और कभी भी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आपको लंबे वाले आलू यूज करने हैं तो उसका शेप अच्छा आएगा। अब इसको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है फ्रेश वाटर से। तो आप देखना इसको जब वॉश करोगे ना तो इसका कलर चेंज होगा। पोटैटो में बहुत स्टार्च रहता है तो ये स्टार्च इसमें से निकलेगा। सो आप देख सकते हो कलर कैसे चेंज हो गया है। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें फ्रेश वाटर ऐड करूँगी और इसको 30 मिनट्स के लिए मैं डीप फ्रीजर में इसको रख दूंगी। तो जब इसमें उसे क्या होगा, इसमें आइस का पूरा एक लेयर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टार्च को कम कर देगा। सो अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए डीप फ्रीजर में रख रही हूँ। सो गाइस, मैंने पोटैटोज को डीप फ्रीजर से निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इनको सबसे पहले पार बॉइल करूँगी। पार बॉइल मतलब हाफ बॉइल। अब मैं पहले पानी को बॉइल करने के लिए रख दूंगी। पानी को आपको सिमर होने तक बॉईल करना है, पूरा एकदम बॉईल नहीं करना है। लाइक जब इसमें बुलबुले आने स्टार्ट होंगे उतने तक ही बॉईल करना है, तभी मैं इसमें अपने आलू ऐड करूंगी। गैस को लो फ्लेम करके आप देख सकते हो इसमें पानी में मेरा कैसे सिमर आ गया है। इसमें मैं अभी पोटैटोस को ऐड कर दूंगी। कोई भी ठंडी चीज अगर हम गर्म चीज में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो अभी ये पानी गर्म था बट मैंने इसमें अभी ठंडे वाले आलू डाले हैं तो गर्म पानी का टेम्परेचर क्या हो गया, इसमें कम हो गया। तो मैं गैस के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई करूंगी और फिर इसको बॉइल होने दूंगी। अब इस पॉइंट पे मैं गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी और इसको 5 मिनट तक मैं कुक करूंगी। सो गाइज, यहाँ पे पोटैटोज मेरे बॉइल्ड हो गए हैं, पार बॉइल। अब मैं इनको छान लूंगी, तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। सो इसको छान के आपको इसको पैट ड्राई करना है, तो एक किचन क्लोथ या टिश्यू पेपर आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसके लिए। सारे पोटैटोज को थोड़ा एकदम हल्के हाथों से करना क्योंकि ये पार बॉइल्ड है तो टूट जाएंगे नहीं तो। तो ये हो गया है। तो अब मैं इसको 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दूंगी। तो यहाँ पे मेरे आलू बिल्कुल चिल्ड एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब इनको मैं फ्राई कर लूंगी। सो तेल को यहाँ पे मैंने गरम करने रख दिया है। अब क्या करना है, आपको ये तेल को लो फ्लेम में ही गरम करना है और मैं इसमें 2 फ्राई करूंगी। एक फर्स्ट फ्राई में लो फ्लेम में करूंगी, फिर मैं फ्राइज को निकाल लूंगी और फिर मैं सेकंड फ्राई करूंगी जो कि मीडियम फ्लेम में होगा। सो गाइस, तेल मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें पोटैटोज को मैं ऐड करूंगी।
इसको हम दो बार फ्राई इसलिए करते हैं क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम फ्राई करते हैं तो अंदर का जो पार्ट होता है वो मुलायम एकदम सॉफ्ट होता है, और फिर जब मैं सेकेंड टाइम इसको फ्राई करूँगी तो बाहर वो क्रिस्पीनेस लाएगा। सो ये फर्स्ट टाइम फ्राई हो गया है, अब मैं इनको निकाल लूंगी। टिश्यू में स्प्रेड कर दूंगी। अब आपको तेल को फिर से गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे रख के। तेल यहाँ पे मेरा मीडियम फ्लेम पे गर्म हो गया, आप देख सकते हो तेल में बबल्स आ रहे हैं, तो इस पॉइंट में मैं इसमें फ्राइज ऐड करूंगी और इसको मीडियम फ्लेम में रख के क्रिस्पी होने तक आपको फ्राई करना है। सो गाइस, मेरे फ्राइज यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, मैंने गैस ऑफ कर लिया है और मैं इनको निकाल लूंगी और टिश्यू में फैला दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो और गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। सो गाइज, मेरे यहाँ पे गरम गरम फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी इसको बनाइए। मैकडोनल्ड क्यों जाना जब हम घर पे इसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि घर पे बनाएंगे तो हेल्दी भी बनेगा। सो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।